लालू यादव तो जात पात करेगा, जात पात बढ़िया आदमी नहीं करता है। पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाएगा। अरे 600 रुपये लीटर फिर भी हुए आवेंगे। राहुल गांधी को बोलने ही नहीं आता, राहुल गांधी खत्म आदमी है। विपक्ष वाला कह रहा है पूरा देश बेच दिए। विपक्ष कुछ है ये नहीं, वो कुल खत्म है। हाँ? सब खत्म है विपक्ष। गैस सिलेंडर 3000 रुपये होगा तब भी मोदी जी मोदी जी रहेंगे। पेट्रोल 600 रुपये लीटर हो जाएगा तब भी मोदी जी रहेंगे। फिर भी मोदी जी रहेंगे। देश में सारा संपत्ति बेच देंगे फिर भी मोदी जी रहेंगे। कोई मोदी जी को हटा नहीं सकता। कोई नहीं हटा सकता वैसा। हाँ। तो नेते नहीं तो कोई हराएगा है? कोई नहीं हराएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लोभ उसको नहीं है। हाँ। साधुवाद है। हाँ। साधुवाद। जात पात का राजनीति जो भी करेगा खत्म आदमी है। जात पात का राजनीति नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई है ये नहीं है भारत में। अच्छा, नम्मा क्या हुआ आपका? अंजनी सिंह कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। हाँ तो बदल तो देवे न करेंगे, बदल रहे हैं से जनता देख नहीं रहा है कितना बदल रहे हैं। एक धर्म का नहीं बग हर धर्म के जो मिला का जो हमारा लोकतंत्र है जो मगर सुंदर बगिया उसको सुंदर बनाकर रखें। देश में हिंदू राष्ट्र बनने की मांग चल रही है, चल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत धर्म निरपेक्ष है। तो राम मंदिर बनवाए, धारा 370 के खत्म किए, वैसा आज तक प्रधानमंत्री माइकलाल जलम्बे नहीं किया। हमारा नाम बहादुर सिंह है। 2024 की तैयारी सभी पार्टी अपने अपने तरीके से कर रही है और हम भी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे और बिहार की जो स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे मैंने चचा है, क्या नाम हुआ चचा आपका? हमारा नाम बहादुर सिंह है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन? अभी तो चुनाव के बाद मग जनता जिसको मग जीत के मग अति के लिए भेजेगी वहाँ, तो वही तो राय जानने के लिए आया ना चाचा। जैसे मग संसद। हाँ। मग जिसको मग जनता चुन के भेजेगा। हाँ। जिसका बहुमत वहाँ होगा। हाँ। उसका प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। चाहे महागठबंधन का हो। हाँ। या मग, मग, आपके नज़र में प्रधानमंत्री कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो मगर ठीक है काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ मोदी जी तो काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि उन्हें काम कोई मगर गलत काम कर रहे हैं, इसी बात नहीं है। एक आपको ऐसा काम बताइए चाचा जो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो प्रधानमंत्री काम। मगर ये जो अभी महिला का दिए आरक्षण मजो है। हाँ मगर उनके लिए बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया। फिर मगर भारत का सम्मान बढ़ाए। हाँ। मगर 20 मगर 20 वाला। हाँ तब ने वो भी उनका काम मगर उनका काम बढ़िया था। हाँ। ऐसे उनका काम बढ़िया है प्रधानमंत्री काम बढ़िया। 2024 में बनेंगे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, अभी नहीं कहिएगा। नहीं भी किसे कहे। आपको कौन पसंद है चाचा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पूरा एकदम खुश है उनके नाम पर। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई है ये नहीं है भारत में। अच्छा, नम्मा क्या हुआ आपका? अंजनी सिंह। अच्छा, नरेंद्र मोदी ऐसा कोई नहीं है। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक होवे नहीं किया भारत में। तो सब विपक्ष वाला कह रहा है पूरा देश बेच दिए। विपक्ष विपक्ष कुछ है ये नहीं, वो कुल खत्म है। हाँ। सब खत्म है विपक्ष। हाँ। मोदी के सामने कोई है ये नहीं है भारत में। मोदी के सामने कोई नहीं है। मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगा आपको? वो तो राम मंदिर बनवाए, धारा 370 के खत्म किए, वैसा आज तक प्रधानमंत्री माइकलाल जलम्बे नहीं किया। 24 में वापसी होगी कि नहीं? उसको कोई हराएगा है? कोई नहीं हराएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कोई नहीं, कोई नहीं। लोकतंत्र में है चाहे बिहार देश उससे में। लोकतंत्र जनता सबको चुनता है। कोई नहीं लोभ उसको नहीं है। हाँ। साधुवाद है। हाँ। साधुवाद साधु। हाँ। कोई लोभ है मोह नहीं। कैसे नहीं लोभ मोह है? कोई है ये नहीं है लोभ मोह क्या रहेगा। परिवार पत्नी तो है ये है। पत्नी है तो पत्नी तो सब खत्म नहीं ना है। मतलब इस कहने का मतलब क्या है आपका? समूचा देश उसका परिवार है, है? समूचा देश परिवार है। कहने का मतलब क्या है? जो उनके साथ में कोई नहीं है, बेटा बेटी नहीं है तो अच्छा काम करेंगे। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत हिम्मती आदमी है। अच्छा, देश में हिंदू राष्ट्र बनने की मांग चल रही है, चल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए? काहे नहीं बदलना चाहिए? लोग कह रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, धर्म निरपेक्ष वो धर्म निरपेक्ष रहेगा। हाँ, इसमें कोई समझौता नहीं, लेकिन मोदी रहेगा। लोकतंत्र में मोदी ही अभी 24 में आएंगे। और कौन कौन काम अच्छा लगा चाचा मोदी जी का? मोदी जी बहुत देश विदेश में बहुत काम किए, बहुत नाम किए, काम नाम बहुत किए। अच्छा,
यानी कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं बहुत भारी भयंकर वोट से। अच्छा, राहुल गांधी में आपको क्या ऐसा लगता है कि गांधी को बोलने ही नहीं आता है? राहुल गांधी को बोलने ही नहीं आता है। राहुल गांधी खत्म आदमी है, खत्म, उसको बोलने ही नहीं आता है। लालू जी को? लालू यादव तो जात पात करेगा, जात पात बढ़िया आदमी नहीं करता है। जात पात करते कैसे? लालू जात पात न करता है, ऊपर घोटाला किया, चारा घोटाला, 12 घोटाला किया लालू यादव। अरे उनके राज में कहा जाता है जंगल राज था, जंगल राज की क्या सच्चाई है? जंगल राज है ये था, जंगल राज है ये था, इतना गलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, बहुत घोटाला किया वो, बहुत खत्म, एक घोटाला किया उस समय, खत्म आदमी है। अच्छा, लालू जी के समय में एक बात कहा जाता था कि खास करके सवर्ण समाज और दलित पिछड़ा में जो है नफरत का भाव पैदा हो गया था। जात पात का राजनीति जो भी करेगा वो खत्म आदमी है। जात पात का राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास करो, सबका भलाई करो। जात पात का सब जात एक है, सब जात, जात पात की राजनीति ठीक नहीं, जात पात की राजनीति ठीक नहीं है। जो जात पात की राजनीति करता है उसको क्या खत्म आदमी है, खत्म आदमी। जात पात की राजनीति लड़ाई लगाना, जात पात की राजनीति लड़ाई लगाना, जात जात में लड़ाओ, वह जात की राजनीति, यानी कि लड़वा करके वोट लेना है और मगर विकास रुक जाता है। क्या बोले चाचा? कहे कि जात पात के लड़ाई करा के मगर देश का और मगर राज्य का मगर विकास रोक देता है, जबकि मगर आदमी जो विकास करना चाहिए, सब लोग एक साथ मिल के हम विकास करेंगे, जो आपस में मतभेद पैदा करके विदेश पैसा करके अलग करके हमारा विकास रोक देता है। जात पात का राजनीति तो जहर है, जात पात की राजनीति समाज में जहर फैला। अच्छा, धर्म की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? एक वर्ग है बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से हिंदू पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम होना चाहिए। जैसे यह मगर लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर धर्म हर समुदाय के लोग हैं, तब हमेशा समान एक धर्म का मगर सरकार बनने से विचार तो मग शुद्ध रहेगा नहीं, आपस में मग हमेशा विद्वेष पैदा होगा, मग इसलिए एक धर्म का नहीं मग हर धर्म के जो मिला कर जो हमारा लोकतंत्र है, जो मग सुंदर बगिया उसको सुंदर बनाकर रखना है, इन्हें कि हिंदू राष्ट्र और मग और मग इन्हें लोकतंत्र में हिंदू राष्ट्र को जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। एक सवर्ण समाज के व्यक्ति कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? इधर आइए, हंस कह रहे हैं, डर कह रहे हैं? मोदी जी से कोई डर नहीं है? मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी भी मोदी जी हैं। हाँ, वो तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी हैं। हाँ, 24 में आएंगे? हाँ, 24 में आएंगे ना। तो कह रहा है पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाएगा। अरे 600 रुपये लीटर फिर भी वही आएंगे, पेट्रोल 600 रुपये भी होगा वही आएंगे। और गैस सिलेंडर वो तो कुल है जो गैस सिलेंडर 3000 रुपये लीटर हो जाएगा। गैस सिलेंडर 3000 रुपये होगा तब भी मोदी जी, मोदी जी रहेंगे। पेट्रोल 600 रुपये लीटर हो जाए तब भी मोदी जी रहेंगे, फिर भी मोदी जी रहेंगे। देश में सारा संपत्ति बेच देंगे फिर भी मोदी जी रहेंगे। कोई मोदी जी को हटा नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता, वैसा तो नेते नहीं, तो ऐसा कोई नेते नहीं, नेते नहीं। अच्छा, कौन कौन काम अच्छा लगा मोदी जी के आपको? सब सब काम अच्छा लग रहा था। क्या वो काम जो कि आपको बहुत अच्छा लगा? राम मंदिर बनाए सब, तो कुल अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। राम मंदिर बना। अच्छा, देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं देश को? तो को लग जाए कब हमें की कहे हमें तो तू जनता को लोकतंत्र में जनता मालिक ना हुआ है। चलिए और है, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम मनोज कुमार है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। पेट्रोल 600 रुपये छोड़िए ना, महंगाई पे जो है सो है ये है, उस पर किंतु परंतु नहीं करना है। अभी माने भारत की हर नागरिकता को मोदी जी हैं और 100% चांस है कि वही रहबे करेंगे। हाँ, समझ गए ना, 100% वही रहेंगे। काम खूब किए देश के लिए और बहुत सन हथियार वगैरह भी माने अथी किए, 370 आटा है,
राम मंदिर बनवाए, जो जो माने मुद्दा था वो करवे किए। अब महंगाई तो माने है ना, बरकरार विपक्ष वाला की देश के सारा संपत्ति बेच रहे मोदी जी। ठीक है, वो कहने का कहबे करेंगे, नहीं कहेंगे तो फिर ये सुनेगा लोग किसे? कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। हाँ तो बदल तो देवे न करेंगे, बदल रहे हैं से जनता देख नहीं रहा है कितना बदल रहे हैं। अच्छा, संविधान बदलना चाहिए कि नहीं? एकदम नहीं बदलना चाहिए। अच्छा चाचा हैं, संविधान बदलना चाहिए कि नहीं चाचा? संविधान तो बाकी संशोधन होता है, बदलता तो बदलने की बात चल रही है संविधान के, बीजेपी के नेता कई नेता नहीं, एकदम गलत, कोई ऐसी झूठा प्रचार है। संविधान संशोधन होता है, कोई नियम कानून उसका संशोधन होता है। उस चुनाव पर बात की चचा से और चचा ने अपनी राय दी कि जो देश में चल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी कुछ भी नहीं है और 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बहरहाल बने रहे जोहार इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।